गुड आफ्टरनून एवरीवन, दिस इज सुरभी एंड वेलकम बैक टू नॉलेज सीरीज इंग्लिश। सो टुडे टॉपिक इज ऑल अबाउट वर्ब, जिसको हिंदी में कहते हैं क्रिया। लेट्स सी व्हाट इज वर्ब। अ वर्ब इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन और पोजीशन ऑफ अ थिंग और पर्सन। क्रिया एक ऐसा शब्द है जो किसी व्यक्ति या वस्तु के कार्य या अधिकार को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे लिखा है विदाउट वर्ब सेंटेंस डू नॉट कन्वे देयर प्रॉपर मीनिंग। क्रिया के बिना किसी भी वाक्य का अर्थ पूरा नहीं हो सकता, मतलब अगर सेंटेंस में वर्ब नहीं है तो वो मीनिंगलेस सेंटेंस है। फॉर एग्जांपल, नंबर वन, जॉन हैज़ अ कार। नंबर टू, ही ड्राइव्स अ बस। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ वर्ब्स। नंबर वन, वी कैन फॉर्म वर्ब्स बाय एडिंग en टू अ नाउन। हम नाउन शब्द में en जोड़कर क्रिया शब्द बना सकते हैं। तो एक साइड है नाउन, दूसरी साइड है वर्ब। नंबर वन, cash, कैश, तो वर्ब में क्या होगा encash। नंबर टू है circle, तो वर्ब में क्या होगा encircle। नंबर थ्री है slave, तो वर्ब में क्या होगा enslave। नंबर फोर है large, तो वर्ब में क्या होगा enlarge। नंबर फाइव है rage, तो वर्ब में क्या होगा enrage। नंबर सिक्स है danger, डेंजर, तो वर्ब में क्या होगा endanger, इन डेंजर। नंबर टू है वी कैन फॉर्म वर्ब्स बाय मेकिंग सम चेंजेस इन नाउन। हम संज्ञा शब्द में कुछ बदलाव करके क्रिया शब्द बना सकते हैं। तो एक साइड है नाउन, दूसरी साइड है वर्ब। नंबर वन है application, तो वर्ब में क्या होगा apply, अप्लाई। नंबर टू information, इंफॉर्मेशन, तो वर्ब में क्या होगा inform, इन्फॉर्म। नंबर थ्री selection, सिलेक्शन, तो वर्ब में क्या होगा select, सेलेक्ट। नंबर फोर player, तो वर्ब में होगा play, प्ले। नंबर फाइव translation, ट्रांसलेशन, तो वर्ब में क्या होगा translate, ट्रांसलेट। नंबर सिक्स है proof, प्रूफ, तो वर्ब में क्या होगा prove, प्रूफ। नंबर सेवन है entrance, एंट्रेंस, तो वर्ब में क्या होगा enter, एंटर। नंबर थ्री पॉइंट है वी कैन फॉर्म वर्ब्स फ्रॉम एडजेक्टिव्स। हम विशेषण शब्द से क्रिया शब्द बना सकते हैं। तो एक साइड है एडजेक्टिव, दूसरी साइड है वर्ब। नंबर वन होगा broad, ब्रॉड, तो वर्ब में क्या होगा एडजेक्टिव का broaden। नंबर टू है equal, तो एडजेक्टिव का वर्ब में क्या होगा equalize। नंबर थ्री है memory, तो वर्ब में क्या होगा memorize। नंबर फोर है bright, ब्राइट, तो वर्ब में क्या होगा एडजेक्टिव का brighten, ब्राइटन। नंबर फाइव है bath, तो वर्ब में क्या होगा bathe। नंबर सिक्स lose, वर्ब क्या होगा losen। नंबर सेवन sure, तो वर्ब में क्या होगा ensure। नंबर एट है fine, तो वर्ब में क्या होगा refine। नंबर नाइन है light, तो वर्ब में क्या होगा lighten। नंबर टेन wide, तो वर्ब में क्या होगा widen। एडजेक्टिव नंबर इलेवन है sale, तो वर्ब में क्या होगा sell। नंबर ट्वेल्व है white, वर्ब में क्या होगा witen। फोर्थ पॉइंट है वी कैन फॉर्म अपोजिट्स ऑफ सम वर्ब बाय यूजिंग प्रीफिक्सेस लाइक mis, un एंड dis। हम क्रिया शब्द में mis, un और dis का प्रयोग करके उल्टे शब्द बना सकते हैं। तो एक साइड है वर्ब,
दूसरी साइड है अपोजिट्स ऑफ वर्ब्स. तो नंबर वन है एस ए टी आई एफ वाई, तो अपोजिट होगा डी आई एस एस ए टी आई एफ वाई. नंबर टू है ओ बी ई वाई, तो इसका अपोजिट होगा डी आई एस ओ बी ई वाई. नंबर थ्री है आर ई जी ए आर डी, तो इसका अपोजिट है डी आई एस आर ई जी ए आर डी. नंबर फोर है एफ आई जी यू आर ई, तो इसका अपोजिट होगा डी आई एस एफ आई जी यू आर ई. नंबर फाइव डी ओ, अपोजिट होगा यू एन डी ओ. सिक्स है क्यू यू ए एल आई एफ वाई, अपोजिट होगा डी आई एस क्यू यू ए एल आई एफ वाई. सम वर्ब्स क्रिएट कन्फ्यूजन, द वर्ड्स डैट आर आइडेंटिकल इन साउंड बट हैज़ डिफरेंस इन मीनिंग. ऐसे शब्द जो साउंड में बिल्कुल सेम होते हैं पर उनका जो अर्थ होता है बिल्कुल अलग होता है. तो नंबर वन है बी ई ए आर बियर, बियर मतलब होता है टू टॉलरेट, टॉलरेट मतलब होता है किसी चीज़ को सहना. नेक्स्ट है बी डबल ई आर बियर, बियर होता है एन एल्कोहलिक ड्रिंक. नंबर टू है डी ई एफ वाई, इंग्लिश में मीनिंग होता है इसका चैलेंज मतलब चुनौती देना, और इसका सेम साउंड का वर्ड होता है डी ई आई एफ वाई मतलब वर्शिप मतलब पूजा करना. नंबर थ्री है एफ ओ आर जी ओ, टू गिव अप मतलब त्यागना. एफ ओ आर ई जी ओ, इसका मतलब होता है टू गो बिफोर मतलब पहले जाना. नंबर फोर है आर ए आई एस ई, इसका इंग्लिश मीनिंग होता है टू लिफ्ट मतलब उठाना. आर ए जेड ई, टू डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट करना. नंबर फाइव एंड लास्ट है डी ई एफ ई आर, मतलब टू पोस्टपोन मतलब टालना. नेक्स्ट है डी आई डबल एफ ई आर, नोट टू एग्री असहमत होना. सो दिस इज पार्ट फर्स्ट ऑफ वर्ब, सेकेंड पार्ट आएगा नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन डू लाइक शेयर एंड कमेंट दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल इफ नॉट येट. थैंक यू.